बागेश्वर धामना धीरेन्द्र शास्त्री आज वडोदरा मुलाकाते आया। श्री गणेश जी नु सोना सिंहासन नु धीरेन्द्र शास्त्री ए अर्पण कर्यु छे। अंदाजे करोड़ ना खर्चे तैयार करायु छे आ सोना सिंहासन। त्यारे बागेश्वर धामना धीरेन्द्र शास्त्री आज वडोदरा मुलाकाते आया। श्री गणेश जी नु सोना सिंहासन धीरेन्द्र शास्त्री ए अर्पण कर्यु छे। अंदाजे करोड़ ना खर्चे तैयार करायु छे आ सोनानु सिंहासन। वडोदरामां धीरेन्द्र शास्त्री नुं मोटुं निवेदन पण सामे आवी रह्युं छे। धार्मिक यात्रा उपर थयेला हुमलाने લઈને આમણે નિવેદન આપ્યું છે। પથ્થરબાજી દેશનું દુર્ભાગ્ય ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીનું કહેવું છે। પથ્થરબાજી કરનાર લોકોને રાક્ષસ વૃત્તિના ગણાવ્યા, હવે દેશમાં પથ્થર મારનારા લોકોની ઠટરી અને ગઠરી બંને બનશે। સનાતન ધર્મ ખતરામાં હતો, હવે નથી, ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીનું કહેવું છે। ત્યારે બાગેશ્વર ધામના ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી વડોદરાની મુલાકાતે આવી પહોંચ્યા છે। તેમણે અંદાજે એક કરોડના ખર્ચે તૈયાર કરાયું છે સોનાનું સિંહાસન અર્પણ કર્યું છે ગણેશજીને। વડોદરામાં ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીએ મોટું નિવેદન પણ આપ્યું છે। गणपति भगवान की पूजा करने का सौभाग्य मिला। जय जय गरबी गुजरात। बड़ोड़ा हमारा ही नगर है और हम भी गुजराती हैं। बहुत आनंद आता है, ये शहर संस्कृति और संस्कारों का नगर है। यहाँ संस्कृति और संस्कार भरे पड़े हैं और गणपति भगवान की सिंहासन, स्वर्ण सिंहासन पर गणपति भगवान का स्थापना था। उसमें हमें समय अनुकूल लगा तो हम एक दिवस का समय निकाल करके गणपति भगवान को प्रणाम करने। प्रभु जी, धार्मिक यात्राओं पे पथराव किया जाता है, क्या कहेंगे आप? ये देश का दुर्भाग्य है। ये रावण के खानदान के लोग हैं, राक्षस वृत्ति के लोग हैं, करते रहते हैं पथराव। लेकिन अब हिंदू जाग रहा है, सोया हिंदू जाग रहा है, अब भारत का सनातनी जाग रहा है। अब देश में ऐसे लोगों की ठटरी और गठरी दोनों बने। सनातन खतरे में लगता है? बिल्कुल भी नहीं, खतरे में था, अब उभर चुका है। सनातन धर्म कभी खतरे में नहीं था, बस सोया हुआ हिंदू था। अब वो नेता लोग गालियां क्यों बोलते हैं? नेता लोग गालियां क्यों बोलते हैं कांग्रेस वाले? उनकी वृत्ति हो गई है, जैसी जिसका डीएनए वैसा लोग विचारे करते रहते हैं। हम नेताओं पे कोई कमेंट्स नहीं।